बताया इनमें शस्त्र पूजन हर साल, आपको बता दें कि शस्त्र पूजन का आयोजन किया जाता है, नेहरू नगर पुलिस लाइन में शस्त्रों की पूजा की जाती है, पुलिस की शांति सुरक्षा को लेकर पूजा अर्चना की जाती है। पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र इस दौरान मौजूद रहे, कई अधिकारी और पुलिस कर्मचारी भी इस दौरान मौजूद रहे। तो हर साल आपको बता दें कि शस्त्रों की पूजा अर्चना की जाती है और इस साल भी शस्त्रों की पूजा अर्चना की गई, नेहरू नगर पुलिस लाइन में शस्त्र पूजा की गई है। और चलिए अब खबर पर अपडेट ले लेते हैं, हमारे साथ संवाददाता सूरज लाइव जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुका लेते हैं। सूरज, आपके पीछे जरा नजारा दिखाइए, किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्योंकि पुलिस लाइन में शस्त्रों की पूजा की जा रही है आज। देखिए, बिल्कुल बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक दशहरे पर परंपरा के अनुसार हर साल पुलिस जो ऑफिशियल्स हैं वो खास तौर से शस्त्र पूजन करते हैं और भोपाल की डीआरपी लाइन में वही नजारा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तमाम जो पुलिस के शस्त्र हैं जिनसे वो अपराधियों पर नियंत्रण करते हैं, अपराधियों को सजा दिलाते हैं और कैसे प्रदेश की जनता की सुरक्षा करना है उनके साथ पूजा की जाती है। अलग अलग प्रकार के शस्त्र यहाँ पर रखे गए हैं, हम चाहे पिस्टल की बात करें, LMG की बात हो, AK-47 की बात हो, तमाम जो पुलिस के शस्त्र होते हैं उनके साथ यहाँ पर पुलिस की पूजा की जा रही। खासतौर से जगत जननी माँ जगदम्बा की पूजा के साथ ही हमेशा शस्त्र पूजन किया जाता है और हॉर्स फायर भी किया जाता है। खासतौर से भोपाल के तमाम वरिष्ठ पुलिस अधिकारी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, भोपाल कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र हैं, इनके अलावा सत्यकृति सूर्यवंशी हैं, DIG अनुराग शर्मा हैं, जो ACP हैं वो हैं, तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो इस दौरान पूजा अर्चना कर रहे हैं। खासतौर से प्रशंसा हर साल परंपरा के अनुसार दशहरे के मौके पर ये शस्त्र पूजन किया जाता है, इसका उद्देश्य ये होता है कि कैसे जो खासतौर से अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करना है और कैसे पुलिस प्रदेश की जनता को न्याय दिला सके, अपराधियों से मुक्त कर सके, और यही परंपरा है कि तमाम वरिष्ठ अधिकारी आज यहाँ पर शस्त्र पूजन के साथ ही आरती कर रहे हैं। बिल्कुल, तमाम वरिष्ठ अधिकारी वहाँ पर मौजूद है, सभी की मौजूदगी में शस्त्रों की पूजा अर्चना की जा रही। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सूरज, और तस्वीरें हम तक पहुँचाने के लिए।